हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑन द सी सेट ट्वेंटी जहाँ पे हम लोग सारे के सारे क्यूए प्लस एल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं इन अ डिटेल्ड मैनर वेरन विद एवरी क्वेश्चन मैं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूँ प्लस उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन पे भी बात करने की कोशिश करने वाला हूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे हमने समवेयर अराउंड 33 टू थर्टी फोर क्वेश्चन को टैकल कराए जो कि आपका क्यू ए एन एल आर को कम्प्लीटली सॉल्व करता है विद दिस ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक रफ नोटबुक पास में रखो एंड विथ एवरी क्वेश्चन पॉज द वीडियो ट्राई टू डू द सोल्यूशन ऑन योर ओन और फिर देखो आपका आंसर मैच कर है नहीं कर रहा एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ कितने क्वेश्चन आपने अटम्प्ट करें कितने करेक्ट अटैम्प्ट हुए कितने रॉन्ग हुए क्या आपके लिए डिफ़िकल्ट पार्ट बन रहा है दिस वे अगर आप 2011 से स्टार्ट करके 2024 तक कर पाते हो तो यहाँ पे आपके पास एक डिटेल एनालिसिस खुद के बारे में हो जाएगा एंड दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू प्रिपेयर इन अ बेटर मैनर जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपके लिए डिफ़िकल्ट टॉपिक्स क्या हैं आपके लिए ईजी टॉपिक्स क्या हैं और कहाँ पर आपको मेहनत करनी है कहाँ पर आप ऑलरेडी अच्छे हो और इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स विद आर फर्स्ट क्वेश्चन वेलकम टू दी अल्टीमेट यू पी 2025 सी का कोर्स यहाँ पे मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ ये कंप्लीट कोर्स है जहाँ पे वी आर कवरिंग एवरी बिट ऑफ सी सैट बीट क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स या फिर रीडिंग कॉम्प्रेंशन के टॉपिक्स सब पे डेडिकेटेड लेक्चर्स हैं हमारे पास एल आर एन आर सी सारे टॉपिक्स जितने भी हैं सब हमने कवर करा है अदर देन दिस आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं फॉर एवरी टॉपिक इसको तीन कैटेगरी में आप देख पा रहे हो हमने डिवाइड करा है ये जो थर्ड नंबर प्रैक्टिस शीट है फॉर एवरी टॉपिक ये 2023 के डिफ़िकल्टी लेवल को मैच कर रहा है तो अगर पेपर ज़रा डिफ़िकल्ट लेवल पे आता है तो भी आप इस बार प्रिपेयर रहोगे ना अदर देन दिस वी आर गिविंग यू फाइव फुल इन टेस्ट सीरीज एंड अ डिटेल डिस्कशन टू इट जहाँ पे लेट से यू टेक अ टेस्ट ऑन फर्स्ट ऑफ मार्च द वेरी नेक्स्ट डे मैं लाइव आऊँगा और सारी पेपर को डिस्कस करूँगा जहाँ पे आप उसका एनालिसिस करोगे जहाँ पे भी आप अटैप्ट नहीं कर पा रहे हो जो आपके लिए डिफिकल्ट पोशन है आप उनको वापस से देखोगे इन टर्म्स ऑफ लेक्चर री अटेम्प्ट लोगे उस पेपर को तो दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम ऑफ पास तो मे बी जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो आफ्टर सेवन डेज होगा तो इस तरीके से वी आर प्लानिंग दिस इन मार्च बट ये कोर्स का पार्ट है जहाँ पे फाइव फुल एंड टेस्ट सीरीज बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से बेस्ड अपने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अदर देन दिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहाँ पे कि डेली के प्रैक्टिस सेशंस अपने लोग करने वाले हैं फ्रॉम अप्रिल एंड टू योर एग्जामिनेशन समवेयर अराउंड थर्टी सेशन्स जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं दिस ईयर वीडिट समवेयर अराउंड टेन और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए थे बट लेट जी दिस टाइम वी आर प्लानिंग टू डू थर्टी सेशंस अभी एट प्रेजेंट वी आर गिविंग यू दिस एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट ऑफ थर्टी वन परसेंट जो कि हमारे कोपन्स हैं आप अवेल करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करो प्लस देर आर पीपल जो कि भी मेंस के प्रिपरेशन के साथ बिजी हैं बिकॉज आई हैव बीन रिसीविंग देयर मैसेजेस दोज हुईन इन जनवरी एज वेल आप फ़िलहाल अपना रजिस्ट्रेशन कर लो फॉर रजिस्ट्रेशन वी जस्ट नीड टू कॉन्टेक्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर चलो विशिंग यू ऑल द बेस्ट डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग फाइव क्वेश्चन गेस्ट लेक्चर्स ऑन फाइव सब्जेक्ट्स These subjects are economics, history, statistics, English, EG and then mathematics M have to be arranged in a week from Monday to Friday. So from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, we have these five subjects and only one lecture can be arranged on each day. Per lecture per day. इकोनमिक्स कैन नॉट बी स्केड्यूल्ड ऑन ट्यूजडे गेस्ट फैकल्टी फॉर हिस्ट्री इज़ अवेलेबल ओनली ऑन ट्यूजडे तो क्या मैं सिर्फ इस एक पर्टिकुलर लाइन से ही कह सकता हूँ सिंस द गेस्ट फैकल्टी फॉर हिस्ट्री इज़ ओनली अवेलेबल ऑन ट्यूजडे सो ट्यूजडे हिस्ट्री होगा नाउ मैथमेटिक्स लेक्चर हैज़ टू बी स्केडूल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑफ इकॉनमिक्स लेक्चर तो लेट्स से अगर मैं इकॉनमिक्स को यहाँ पे तो अब मैं नहीं रख सकता हूँ इकॉनमिक्स अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो क्या मैं यहाँ पे मैथ्स रख पाऊँगा नहीं बिकॉज दिस स्लॉट इज़ ऑलरेडी बुकड मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ बचती है आई कैन प्लेस इकॉनमिक्स हियर एंड इन दैट केस मैथ्स वुड बी ऑन थर्सडे और आई कैन प्लेस इकोनमिक्स हेयर एंड इन दैट केस मैथ वुड बी ऑन फ्राइडे ये दो पॉसिबिलिटीज़ है फिलहाल किसी एक पर ही होगा बट एज ऑफ नाउ मैं इन पे रिलेट कर सकता हूँ इंग्लिश लेक्चर हैज़ टू बी स्कड्यूल इमीडिएटली बिफोर द डे ऑफ इकॉनमिक्स अब मान लो आपने इसको इकोनॉमिक्स पे स्कड्यूल कर दिया वेंसडे को उसके एक दिन पहले आपके पास वीकेंड स्पॉट नहीं है उसके एक दिन पहले इट इज़ ऑलरेडी बुक्ड फॉर हिस्ट्री बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट शुड हैव बिन इंग्लिश तो आप बोलते हो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं फिट होगा दिस इज ईजी इंग्लिश ऑन वेंसडे अब आप एक बार लाइन पढ़ो इंग्लिश लेक्चर हैज टू बी स्कड्यूल इमिडिएटली बिफोर द डे ऑफ इकॉनमिक्स लेक्चर एंड इकोनॉमिक्स के एक दिन बाद यू हैव द मैथ्स लेक्चर कौन सा बच गया स्टैटिस्टिक्स सो स्टैटिक्स विड बी ऑन मंडे

Which lecture is last one in the week? Last one in the week was mathematics. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Right. So this was statistics. Then you had history, English, Eco, and maths. Last day in the week, Friday, we have maths lecture. Which lecture is located on a Wednesday? On a Wednesday we have English. On a Wednesday, we have English lecture. And the last question, which is which lecture is scheduled before the mathematics lecture? So before the mathematics lecture, it is talking about precisely immediately before. So maths ke just immediately before you have economics lecture. Option A is our correct fit. I hope this helps. Two glasses of equal volume are respectively half. एंड थ्री फोर्थ फिल्ड विथ मिल्क हाफ का मतलब है वन बाई टू थ्री फोर्थ का मतलब थ्री अपॉन फोर फिल्ड विथ मिल्क दे आर देन फिल्ड टू द ब्रिम मतलब टू द टॉप बाई एडिंग वॉटर देर कंटेंट्स आर देन पोर्ड इन टू अनदर वेसल दो वेसल थे मेरे पास इन दोनों के कंटेंट को मैंने पोर करा इंटू अ थर्ड वेसल वॉट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन दिस पर्टिकुलर वेसल थर्ड वाले में ऑल राइट right. अब ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि बाई टेकिंग द टोटल पार्ट मुझे कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा ईजी कैल्कुलेशन के लिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बोल दिया आपसे एग्जैक्ट नंबर्स वो तो नहीं गिवन है तो रेशियो के फॉर्म में गिवन है या आप कह सकते हो फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स फाइंड आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है सबसे स्टार्टिंग टास्क होगा वो तो आप लिखते हो टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर्स यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या है तो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर इज टू एंड फोर तो इनका एल सी एम हो जाएगा फोर आप समझते हैं जरा क्या हो रहा है ग्लास नंबर वन जो है मेरे पास इसमें टोटल जो भी क्वांटिटी है वो फोर पार्ट्स है जिसमें से बोला जा रहा है हाफ दैट इज़ वन बाई टू इज़ मिल्क तो लेट्स से अगर ये टोटल फोर है तो मिल्क कितना है मेरे पास आई हैव मिल्क टू पार्ट्स ऑलराइट ये कंटेनर नंबर वन है वेसल नंबर वन है बिल्कुल ऐसा ही मेरे पास एक और वेसल है क्यों ऐसा ही है इट इज गिवन टू ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम अब इसमें थ्री बाय फोर्थ मिल्क है तो वन टू थ्री थ्री बाय फोर्थ का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट वन टू थ्री ये पूरा पार्ट ऑल सो थ्री पार्ट्स इसमें क्या है मिल्क है सेलराइट मिल्क 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 तो मिल्क कितना है इसमें थ्री पार्ट्स अगर टोटल फोर है और राइट right. क्या हो रहा है नेक्स्ट दे आर देन फिल टू द्रिम मतलब टॉप अभी ये खाली होगा ना यहाँ से ये तो एम टी है ये भी एम टी है तो इस पर अपने लोग पानी भर रहे हैं ना वाटर इज एक्चुअली फर्स्ट वाले में टू पार्ट्स और इसमें वाटर कितना होना चाहिए वन पार्ट क्योंकि अगर टोटल फोर पार्ट्स है ये थ्री पार्ट्स तो आपने मिल्क भर रखा है इसमें देन यू कैन ओनली फिल वन पार्ट ओके अब क्या हो रहा है यू आर पोरिंग द कंटेंट ऑफ दीज टू वेसल्स इन टू अ थर्ड वेसल तो इसको ज़रा लार्ज बना रहा हूँ और ये थर्ड नंबर वेसल है या कंटेनर है इसमें क्या हो रहा है देखते हैं तो यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे फोर प्लस फोर एट पार्ट्स ऑल राइट इसमें वाटर कितना आ रहा है आपको क्या दिख रहा है वाटर क्या है सो वाटर यू आर सेइंग टू प्लस वन और मिल्क कितना है टोटल सो विल से टू प्लस थ्री ऑल राइट सो दिस इज़ थ्री दिस इज़ फाइव क्या पूछा गया है आपसे किसका रेशियो मिल्क एंड वाटर का रेशियो मिल्क इज़ टू वाटर इज़ फाइव इज टू थ्री आई होप दिस हेल्प्स ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने में ऐसा एक ये है 2012 का क्वेश्चन ऐसा एक सिमिलर फ्रंट पे क्वेश्चन पी वाई क्यू में और पूछा गया है समवेयर अराउंड ट्वेंटी फिफ्टीन में है शायद हैव टू सी बट यू हैव अनदर क्वेश्चन इन दिस फ्रंट करना क्या होता है आपको देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है उनका एल लो एल लेने से टोटल पार्ट्स का वैल्यू ऐसे कुछ नहीं अज्यूम कर लेना कि इट इज लेथस एक्स शायद दिक्कत आ सकती है सॉल्व करने में बाद में तो इट्स ऑलवेज अ स्मार्टर अप्रोच जहाँ पे वी आर टेकिंग द टोटल पार्ट्स एज द एल ऑफ डिनोमिनेटर्स और उसके बाद कैलकुलेशन बड़ा ईजी हो जाता है जस्ट टू मेक आर कैलकुलेशन ईजियर अपने लोग ये पहला पार्ट कर रहे हैं दैट्स इट और इट आई होप दिस इज फाइव टू थ्री ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर्स विच इज पार्ट ऑफ रेशियो रेशियो ब्रॉडर कैटेगरी है अरिथमेटिक काफी कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक जिसमें वी हैव कवर्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रॉब्लम फिगर पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है विच वन ऑफ द फिगर शोज बिलो ऑक्यूपाइज द ब्लैंक स्पेस इन द मेट्रिक्स ओके पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं मे बी मैं रो वाइज अगर चलूँ रो वाइज मतलब ऐसे इंडिविजुअल रोज है मेरे पास सेकेंड वाले रो में एक मिसिंग वैल्यू है आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न तो अगर देखो ये शेडेड पार्ट है इसका ऑपोजिट है ये नेक्स्ट वाले में ये शेडेड है अगेन इसका ऑपोजिट है ये वापस से तो ये शेडेड है गोइंग बाय द सेम लॉजिक एक बार ही थर्ड पे भी इसे वैल्युएट करते हैं ये शेडेड है नेक्स्ट में ये वाला शेडेड होगा और नेक्स्ट में वापस से ये सेम शेडेड होगा ऐसा देखो यहाँ पे भी दिख रहा है ये शेडेड है तो नेक्स्ट में ये वाला शेडेड होना चाहिए और वापस से फिर ये वाला होना चाहिए तो जहाँ पे भी इस सर्कल में ये वाला शेडेड है दैट इज द करेक्ट फिट तो ऑप्शन ए ऑप्शन टू ऑप्शन थ्री ऑप्शन फोर इज आर करेक्ट फिट आई होप हेल्प्स एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रामा स्कोड मोर देन रानी रामा को ऊपर लिख रहा हूं रानी को नीचे रानी स्कोर्ड लेस देन रत्ना ओके अब ये जो रत्ना है रत्ना कुड बी पोजिशन हियर और हियर और हियर रत्ना स्कोर्ड मोर देन रामा तो रत्ना को मैं ऊपर रख रहा हूं पद्मा स्कोर्ड मोर देन रामा बट लेस देन रत्ना लेस देन रत्ना का मतलब यहाँ पे मोर देन रामा का मतलब यहाँ पे अब ये चार लोगों के लिए आपके पास लाइन आ गया हु इज द हाइएस्ट ऑब्वियसली इस तरीके से लोअर टू हाइएस्ट चार है लोएस्ट पे रानी देन रामा देन पदमा एंड हाइएस्ट इज रत्ना ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट आई होप द सेल्फ गिवन दैट ए इज द ब्रदर ऑफ बी सी इज द फादर डी इज द ब्रदर इज़ द डॉटर ऑफ ई दैन द अंकल ऑफ डी इज हो आउट ऑफ द फोर ऑप्शन ये एल आर का लॉजिकल रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का प्रॉब्लम है right. तो यहाँ पर मैं कुछ कोर्ड्स का यूज करता हूँ इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द रिलेशन बिटवीन द एलिट्स ए इज द ब्रदर तो दोनों सेम जनरेशन के हैं एंड बी ए ब्रदर है तो मैं ऊपर पे प्लस लिख रहा हूँ प्लस सैन इंडिकेट करें मेल जेंडर है ये कोई रूल नहीं है ये मैं अपने एंड पे बना रहा हूँ आपकी मर्जी आप यहाँ पे सर्कल बना दो बॉक्स बना दो या माइनस साइन लिख दो या इन कर दो ये टोटली आपके ऊपर है इट इज़ जस्ट अबाउट कि मैं जब यहाँ पे प्लस लिखता हूँ तो मुझे एक आइडिया लग जाता है कि द जेंडर इज़ मेल ये इसलिए आइडिया लग रहा है बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस दिस सो मैनी टाइम्स तो आप अपने एंड पे कोड्स बना सकते हो और चीज़ों को जल्दी सॉल्व करने के लिए उनको यूज़ कर सकते हो दैट्स इट या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ए मेल बोलो यहाँ पे ब्रो लिख दो

E is the daughter of B. E is the daughter of B. E is the daughter. D is the brother of E. तो D, so D यहाँ पे आएगा. Okay. Then the uncle of D. Uncle of D कौन है? अच्छा B कौन है? आप मुझे ये बताओ पहले. All of you. Just think about this. Who is B to D or E? क्या B mother है? या फादर है बी का जेंडर रिवील नहीं हो रहा है तो बी इज अ पेरेंट कुड बी मदर और फादर हंड्रेड परसेंट ना ए इसका भाई है ये क्लियर है तो ए इज द अंकल फॉर डी एज वेल एज ई हु इज द अंकल ऑफ डी

ये इम्पॉटेंट है समझना तो अगर आपको ब्लड रिलेशन को और इन पढ़ना है यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आर कोर्स और यू कैन सी अ डिटेल वीडियो ऑन आर यूट्यूब एज वेल बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ब्लड रिलेशन को आप अच्छे से सीखो इसके कुछ इनिशियल रूल्स होते हैं जिनको आपको केयरफुली समझना चाहिए सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये ईजियर एंड पे है या डिफ़िकल्ट एंड पे बिल्कुल भी नहीं है और राइट right. आई होप दीता इज प्रिटियर देन सीता बट नॉट एज प्रिटी एज रीता ये गिवन है मतलब गीता इज प्रिटियर देन सीता बट नॉट एज प्रिटी एज रीता तो अगर मैं इन तीन लोगों के बारे में बात करूं तो रीता इज एट द टॉप प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल ओके सीता इज नॉट एज प्रिटी एज गीता यस सीता इज़ प्रिटेयर देन रीता अन नो रीता इज नॉट एज प्रिटी एज गीता नो रीता इज प्रिटेयर देन गीता गीता इज प्रिटियर देन रीता नो ऑप्शन ए इज आर करेक्टेड एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओनली दोज हुव अ पेयर ऑफ बाइनोक्लर्स कैन बिकम द मेम्बर ऑफ बर्ड वॉचर्स क्लब एक क्लब है उसका अगर आपको मेम्बर बनना है तो आपके पास एक पेयर ऑफ बाइनोक्लियर्स होने चाहिए ओके सम मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स क्लब हैव कैमराज ऑलरेडी दोज मेंबर्स हु हैव कैन टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट फोटो कॉन्टेस्ट एक इंडिपेंडेंट इवेंट है अगर उसमें आपको पार्ट लेना है तो आपके पास कैमरा होना चाहिए ओके ऑल दोज हुव अ पेयर ऑफ बाइनोक्लर्स आर मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स क्लब देखो अगर आपके पास बाइनोक्लियर है यू कैन बी अ मेंबर ऑफ दिस मतलब आप एक क्लब ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका एक नेसेसरी कंडीशन है कि आपके पास होने चाहिए अगर आपके पास पहले से है एक बायनोक्लियर इज इट कि अगर आपके पास बायनोक्लियर है तो आप इसके मेंबर बन ही जाओगे अगर आपको बनना ही नहीं है तो आप नहीं बनोगे हा या ना सोचने वाली बात है तो यह बोलना कि ऑल दोज अ पेयर ऑफ बायनोक्लर आर मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर्स क्लब दिस इज फॉल्स हाँ इसका मेंबर बनने के लिए आपको वो रखना पड़ेगा तो ऑल मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स क्लब हैव अ पेयर ऑफ बाइनोक्लियर्स दिस इज एब्सल्यूटली करेक्ट कि कोई अगर एक्चुअली मेस इसका मेंबर है तो उसके पास एक पेयर ऑफ बायनोक्लर्स होगा दैट इज असरी कंडीशन क्लब में एंट्री के लिए या फिर मेंबर बनने के लिए यू हैव टू हैव अ पेयर ऑफ बायनोकुलर्स तो फर्स्ट वन इज फॉल्स सेकेंड इज करेक्ट All those who took part in photo contest are members of the Bird Watchers Club. Not necessarily true, क्योंकि एक independent event है बाहर से भी लोग इसमें participate कर सकते हैं Few members of Bird Watchers Club भी इसमें participate कर रहे हैं तो all those who took part in the photo contest are members of the Bird Watchers Club. ये बोल पाना गलत है Definitely आप इस पर conclusion नहीं draw कर सकते हो so, Option B is our correct fit. I hope this helps. थ्री पर्सेंस ए बी सी वेयर शर्ट्स ऑफ ब्लैक ब्लू एंड ऑरेंज कलर्स नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर एंड पैंट्स ऑफ ग्रीन येलो एंड ऑरेंज अगेन नॉट नेसेसरली इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर नो परसन वोर शर्ट एंड पैंट ऑफ द सेम कलर फर्दर इट इज गिवेन दैट दाइव डेटा वॉट वेयर द कलर्स ऑफ द पैट एंड शर्ट वन बाई सी रिस्पेक्टिवली अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये एल आर का एनालिटिकल पजल का प्रॉब्लम है टिकल पजल में भी वन ऑन वन कोडिंग से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है ओके okay. इनको सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक है क्या है वो आप वेरिएबल्स को लिखो यहां पे, ए बी एंड सी आर द थ्री वेरिएबल्स शर्ट्स को मैं इस तरफ रखता हूं कौन कौन से कलर के हैं ब्लैक ब्लू एंड ऑरेंज ओके पैंट्स को मैं इस तरफ रख रहा हूँ कलर्स क्या है पैंट्स के ग्रीन येलो एंड ऑरेंज ओके अब इम्पॉर्टेंट है ये लाइंस ड्रॉ करने चलो लेट्स बी डन विद दिस क्विकली काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बार ये अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं ज़रा आराम से इसको बताऊँगा आप जब एक बार ये चीज़ें समझ जाते हो तो आप बहुत जल्दी सॉल्व करोगे इसे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पी वैक्यूज में एक दो हैं चलो देखते हैं क्या हो रहा है ए डिड नॉट वेयर शर्ट ऑफ ब्लैक कलर तो ए ब्लैक कलर का शर्ट नहीं पहन रहा था बी डिड नॉट वेयर शर्ट ऑफ ब्लू कलर बी डिड नॉट वेयर शर्ट ऑफ ब्लू कलर सी डिड नॉट वेयर शर्ट ऑफ ऑरेंज कलर ओके A did not wear the pants of green color. B wore pants of orange color. B जो है that person wore pants of orange color. B wore pants of orange color. तो अगर B ने orange color का pant पहना है तो क्या A orange color का pant पहन पाएगा No. क्या C orange color का pant पहन पाएगा No. क्या B अब येलो कलर का पैंट या फिर ग्रीन कलर का पैंट पहन पाएगा नो no. इसका मतलब अगर आपको एक टिक मिल जाता है ना वन ऑन वन कोडिंग में तो आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बाकी सारे एलिमेंट्स को क्रॉस आउट कर देते हो समझाने के लिए मैंने अभी सिंगल हैंडेडली करा बट जैसे ही आपको एक टिक मिलता है ना आप क्विकली बाकी सारी चीज़ों को एलिमिनेट करोगे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी यहाँ पे नो पर्सन वोर शर्ट एंड पैंट ऑफ द सेम कलर शर्ट और पैंट में जो सेम कलर है वो है ऑरेंज तो अगर आई नो बी वोर अ पैंट ऑफ ऑरेंज कलर तो क्या बी ऑरेंज कलर का शर्ट पहन पाएगा एब्सल्यूटली नो no. अब बी के पास ऑप्शन ही क्या बचता है बी हैज़ टू वेयर अ शर्ट ब्लू नहीं पहन सकता ऑरेंज नहीं पहन रहा है ब्लैक तो अगर बी ब्लैक पहन रहा है मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल आउट कर दूं अब ब्लैक कलर का शर्ट सी नहीं पहन सकता यू गेटिंग माय पॉइंट ओके सी के लिए आपको दिख रहा है सी कैन ओनली वेयर शर्ट ऑफ ब्लू कलर तो अगर सी ब्लू कलर का शर्ट पहन रहा है तो ए नहीं पहनेगा ए वुड बी वेयरिंग एन ऑरेंज कलर शर्ट ओके यहां पे आप देख पा रहे हो ए इज़ वेयरिंग अ पैंट ऑफ येलो कलर तो येलो कलर का पैंट अब सी नहीं पहनेगा सी वुड बी वेरिंग अ पैंट ऑफ ग्रीन कलर ओके क्या पूछा गया था आपसे अब, अब जब आप एक बार इस पूरे चार्ट को सॉल्व करते हो अब मैं किसी भी वेरिएबल के बारे में बात करूँ यू हैव दैट एग्जैक्ट वैल्यूज़ कि किसने कौन सा कलर का शर्ट एंड कौन से कलर का पैंट पहना था पूछा जा रहा है सी के लिए Color of pant and then shirt. For C, the color of pant is green and then the color of shirt is blue. Green and blue, option B is our correct fit. I hope this helps. 10 new TV shows started in January 5 sitcoms, 3 drama, and 2 news magazines. Okay. बाई अप्रैल ओनली सेवन ऑफ द न्यू शोज वे आर स्टिल ऑन देखो जनवरी में स्टार्ट हुए टेन और टेन का डिविजन क्या है तो देर आर फाइव सिट कॉम्स देन यू हैव थ्री ऑन ड्रामा एंड न्यूज मैगजींस टू ये ब्रेक डाउन है टेन टोटल शोज का ओके अप्रैल पे क्या हो रहा है बाई अप्रैल ओनली सेवन आउट ऑफ दीज टेन वेर स्टिल ऑन फाइव ऑफ दम बिंग सेटकॉम्स तो सेट कॉम्स का नंबर इंटैक्ट है ओके okay. अगर सेवन है ये टोटल और पांच उसमें से सिटकॉम्स हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या कहती है कि एक ड्रामा एक न्यूज़ हो सकता है दो ड्रामा ज़ीरो न्यूज़ हो सकता है या फिर ज़ीरो ड्रामा दो न्यूज़ जो बाकी के दो शो अभी भी चल रहे हैं वो इसी तरीके से ब्रेक डाउन हो सकते हैं जहाँ पे मैं एवरी टाइम फाइव सेटकॉम्स तो रख ही रहा हूँ ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं ओके okay. क्या किसी पे भी आपको श्योरिटी है कि ये वाला ही हो रहा है या फिर ये वाला हो रहा है या फिर ये वाला हो रहा है नो यू डोंट हैव श्योरिटी दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज थ्री पॉसिबिलिटीज़ ओके ओनली वन न्यूज़ मैगजीन शो इज़ स्टिल गोइंग ऑन तो आपको श्योरिटी नहीं है ना जीरो भी हो सकता है टू भी हो सकता है रूल्ड आउट ओनली वन ऑफ द ड्रामा शो इज़ स्टिल गोइंग ऑन अगेन सेम रूल्ड आउट क्या आप कैसे श्योर हो कि ओनली वन इज गोइंग ऑन दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दो भी तो हो सकते हैं या एक भी नहीं हो सकता है बाकी के जो दो रिमेनिंग शोज हैं वो दोनों ही न्यूज़ वाले हो सकते हैं तो आप इन दोनों कंक्लूजन पे श्योर नहीं हो ओके okay. एटलीस्ट वन एटलीस्ट वन का मतलब होता है मिनिमम वन एटलीस्ट वन का मतलब है मिनिममटिन्यूड शो वॉज अ ड्रामा देखो डिसकंटिन्यूड का मतलब यहां पे अगर मैं डिसकंटिन्यूट की बात करूं ड्रामा पे तो अगर एक ड्रामा का प्ले हो रहा है तो एक डिसकंटिन्यू हुआ है अगर दो ड्रामा के प्ले हो रहे हैं तो सॉरी तीन ड्रामा के थे ना तो दो डिसकंटिन्यू हुए हैं यहाँ पे एक डिसकंटिन्यू हुआ है अगर दो प्ले हो रहे हैं अगर जीरो प्ले हो रहे हैं तो तीन के तीनों शोज ड्रामा के डिसकंटिन्यू हुए हैं क्या ये टू वन और थ्री मिनिमम वन को इंडिकेट करा यस yes. मतलब एटलीस्ट वन डिसकंटिन्यू शो वॉज ऑफ ड्रामा ये एब्सोल्युटली करेक्ट है कि क्योंकि यहाँ पे तीन ड्रामा के शोज़ हैं बट अभी टोटल सिर्फ दो ही शोज आप होस्ट कर सकते हो तो अगर आप ड्रामा पे भी दोनों पिक करते हो तो एक शो तो ड्रामा का डिसकंटिन्यू होना ही है तो एटलीस्ट वन डिसकंटिन्यू शो वॉज़ ऑफ ड्रामा इज द राइट फिट हीयर ये सबसे लॉजिकली बैटर है मतलब इस पर आप हंड्रेड परसेंट श्योर हो कि ऐसा तो हो ही रहा है बिकॉज ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज़ में ये जो थर्ड वाला कंक्लूजन है ये ट्रू बैटर है फॉर ऑल थ्री व्यूअर्स प्रीफर सेट कॉम ओवर ड्रामा नॉट वेरी श्योर क्योंकि पाँच और तीन पे जज करना ये गलत हो जाएगा तो अगेन दिस डज नॉट वेरी लॉजिकली फॉलो ऑल दो मैं इन दोनों में कन्फ्यूज हो सकता हूँ बट उस केस में मुझे फिर सी के साथ ही जाना चाहिए क्योंकि ये बेटर लॉजिक है बेटर फिट हो रहा है आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट चलो आई होप द सेल्फ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड द टू स्टेटमेंट दैट फॉलोज गिवेन ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज फोर मैन आर वेटिंग एट एयरपोर्ट फॉर मुंबई फ्लाइट टू आर डॉक्टर्स एंड अदर टू आर बिजनेसमैन टू स्पीक गुजराती एंड टू स्पीक तमिल नो टू ऑफ द सेम प्रोफेशन स्पीक द सेम लैंगवेज ओके कितने लोग हैं चार लोग हैं दीज आर डॉक्टर नंबर वन डॉक्टर नंबर टू बिजनेसमैन नंबर वन बिजनेसमैन नंबर टू दे स्पीक टू डिफरेंट लैंग्वेज गुजराती एंड तमिल बट नो टू पर्सन ऑफ द सेम स्पीक द सेम लैंग्वेज ओके तो मे बी फर्स्ट वाला गुजराती सेकेंड वाला तमिल देन अगेन गुजराती एंड तमिल वन ऑफ देम हैव टू स्पीक गुजराती द अदर वन तमिल बिकॉज नो टू ऑ ऑफ द सेम प्रोफेशन स्पीक द सेम लैंग्वेज तो दोनों यहां पे तमिल नहीं हो सकते दोनों यहां पे गुजराती नहीं हो सकते हैं, तमिल नहीं हो सकते सेम नहीं हो सकते ओके टू आर मुस्लिम्स एंड टू आर क्रिश्चियंस एक और लिंग नो टू ऑफ द सेम रिलीजन आर ऑफ द सेम प्रोफेशन तो सेम प्रोफेशन में दो डिफरेंट रिलीजन आएंगे नॉट डू दे स्पीक द सेम लैंग्वेज लैंग्वेज भी डिफरेंट होना चाहिए ओके द तमिल स्पीकिंग डॉक्टर इज क्रिश्चियन तमिल स्पीकिंग डॉक्टर इज क्रिश्चियन तो नेचुरली गुजराती स्पीकिंग डॉक्टर वुड बी मुस्लिम है ना या फॉलो कर पा रहे हो एक और लाइन थी नो टू ऑफ द सेम रिलीजन आर ऑफ द सेम प्रोफेशन सेम रिलीजन वाले सेम प्रोफेशन के नहीं है

द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ द डिस्टेंस अगर मान लो ये टोटल डिस्टेंस है तो इसका जो सिक्सटी परसेंटेज है दिस इज इट टेन मिनट्स मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा फोर्टी परसेंट कोई भी चीज़ खुद में हंड्रेड परसेंट है उसका सिक्सटी परसेंट जब आप कवर करते हो तो आपको टेन मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम लगता है देन टू कवर then the time taken to cover the remaining distance okay how far is his office आप मुझे बताओ अगर मान लो इसे t time लग रहा है to cover forty percent of the distance तो यहाँ पे कितना time लगना चाहिए t plus twenty ten minutes ये extra ten minutes क्यों लग रहे हैं इसे because यहाँ पे जो distance cover हो रहा है वो twenty percent extra है आप सिक्सटी को ब्रेक डाउन करके फोर्टी परसेंट प्लस ट्वेंटी परसेंट लिख सकते हो ना, सो दिस ट्वेंटी परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन टेन मिनट्स ये फॉलो कर पा रहे हैं क्या एवरीवन, 40 फोर्टी परसेंट को कवर करने में टी आर्स लग रहा है या टी टाइम लग रहा है तो सिक्सटी परसेंट को कवर करने में टी प्लस टेन मिनट्स लगेगा टेन मिनट्स मोर सिक्सटी परसेंट का मतलब है फोर्टी प्लस ट्वेंटी तो ये जो एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट का डिस्टेंस था इसको ही कवर करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज टेन मिनट्स बिकॉज आई नो फोर्टी के लिए तो टी लगेगा तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि ट्वेंटी परसेंट ऑफ द डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज टेन मिनट्स देयरफॉर फोर हंड्रेड परसेंट ऑफ द डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा सिंपल यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं 20 परसेंट किसी भी चीज को कवर कर रहे हो तो 10 मिनट्स लग रहे हैं 100 परसेंट करने जाओगे तो 10 इंटू फाइव विच इज फिफ्टी मिनट्स रीजन क्या है आप 20 से 100 पे कैसे जा रहे हो तो 5 से मल्टीप्लाई करके 20 का पाँच गुना है ना 100 फाइव टाइम्स ऑफ 20 इज 100 तो 10 मिनट अगर 20 परसेंट के लिए लग रहा है तो टेन इंटू इज फिफ्टी तो हंड्रेड परसेंट ऑफ द डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज फिफ्टी मिनट्स आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम आपके लिए एवरेज स्पीड गिवन है फोर्टी एट किलोमीटर पर आवर टाइम क्या है फिफ्टी मिनट्स फिफ्टी मिनट्स बोलो या फिर फोर्टी एट इंटू फिफ्टी बाई सिक्सटी आवर्स क्यों आवर्स में कन्वर्ट करा बिकॉज फोर्टी एट जो गिवन है स्पीड वो किलोमीटर पर आर में गिवन है चलो अब जरा इसे सिंपलीफाई करते हैं दिस बिकम्स फोर्टी किलोमीटर सो वॉट इज द टोटल डिस्टेंस द टोटल डिस्टेंस इज फोर्टी किलोमीटर ये टी एस डी का प्रॉब्लम है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं इसके पी वाई क्यू की बात करूँ तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एज पार्ट ऑफ रेसेज एंड गेम्स बोट्स एंड स्ट्रीम्स प्रॉब्लम्स ऑन रिलेटिव स्पीड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स क्रॉसिंग ओवर वाले क्वेश्चन एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स टी एस डी पे बेस्ड है टी एस डी इज़ वन ऑफ द कोर टॉपिक्स ऑफ अरिथमेटिकॉट राइट चलो आई होप दल्प इधर एग्जाम इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ईधर ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज और ए इज ओल्डर देन बी अगर मैं पहले वाले स्टेटमेंट को लिखू यहाँ पे तो ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज और ए इज ग्रेटर देन बी और ओल्डर देन बी ओके नेक्स्ट क्या है अब देखो ए आपके पास है और बी भी है एक लाइन गिवन है थर्ड वाला जो बी एंड सी को रिलेट कर रहा है फर्स्ट के बाद अगर मैं थर्ड पे जंप करूं तो मेरे लिए क्लैरिटी ड्रॉ करना इजी होगा नाउ आई नो बी इज ओल्डर देन सी ये तो गिवन है तो सी यहाँ पे आएगा ऑर्डर वाइज अब ए और बी बराबर भी हो सकते हैं आई एम नॉट श्योर लेकिन बी जो है वो सी से बड़ा ये क्लैरिटी है बी इज ओल्डर देन सी यहां पे और बोला था तो मुझे श्योरिटी नहीं है कि ए एक्चुअली में बी से बड़ा है देखो या तो ए बी से बड़ा होगा या फिर दोनों बराबर होंगे बट बी सी से बड़ा है, ये तो क्लियर है सिमिलरली सी इज सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज और डी इज ओल्डर देन सी या तो दोनों बराबर है या फिर डी सी से बड़ा है ऑल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अब स्टेटमेंट्स ए इज़ ओल्डर देन बी ए इज़ ओल्डर देन बी क्या ये विथ श्योरिटी आप बोल पा रहे हो एक पार्ट यह भी तो कहता है कि ए बी के बराबर है तो क्या ये बोलना सही होगा विथ हंड्रेड परसेंट श्योरिटी दैट ए इज़ ओल्डर देन बी नो कांड से सिनारी हो भी सकता है बट आई एम नॉट हंड्रेड परसेंट श्योर बी एंड डी आर ऑफ द सेम एज देखो बी और डी को आपस में रिलेट करफा पाना मुश्किल है वो भी सकता है कि बी D डी older एज डी इज ओल्डर डी C सी आर ऑफ द age. तो किसी एक पे मैं श्योर नहीं हूं is older देन सी अब यहां पे देखते हैं. ए या तो बी के बराबर है या फिर बी से भी बड़ा है और एक लाइन गिवन थी विच तो बी अगर हमेशा सी से बड़ा है ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन है इधर ए इज ग्रेटर तो यहाँ पे ये यह पॉसिबल है और अगर ए बी के बराबर भी है तो भी ये ट्रू हो रहा है दैट ए इज़ ग्रेटर देन सी तो बोथ ऑफ दिस केसेस इट इज़ ट्रू दैट ए इज ग्रेटर देन सी और ए इज ओल्डर देन सी ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट फैक्ट आई होप दल्स कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वन थाउजेंड स्टूडेंट्स इन फोर डिफरेंट टेस्ट दीज आर द फोर टेस्ट एवरेज मार्क्स किवन है सिक्सटी सिक्सटी सेवेंटी एटी एवरेज मार्क्स कैसे निकला होगा ओबियसली बाई लुकिंग एट द मार्क्स ऑफ एवरी स्टूडेंट इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट एंड डिवाइडिंग इट बाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरीके से आप एवरेज स्कोर निकालते हो फॉर एवरी पर्टिकुलर यूनिट एवरेज इज समॉन नंबर ओके टेस्ट वन में आप देखो क्या हो रहा है सिक्सटी की एवरेज है और जो रेंज ऑफ मार्क्स है लोएस्ट मार्क्स है थर्टी हाईएस्ट मार्क्स है नाइन्टी ओके okay, अब ज़रा क्वेश्चन को और पढ़ते हैं इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर सेवेंटी फोर मार्क्स इन ईच ऑफ द फोर टेस्ट इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग टेस्ट इज हर परफॉर्मेंस द बेस्ट कंपेरेटिवली एक स्टूडेंट है जिसके एक्चुअल मार्क्स जो आए हैं टेस्ट नंबर वन टू थ्री एंड फोर उन सारे में वो है सेवेंटी फोर ऑल राइट सेवेंटी फोर मार्क्स इन ईच ऑफ द फोर टेस्ट तो किस में उसका परफॉर्मेंस बेस्ट है बेस्ट तो जिसमें भी उसका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा इट शुड बी ग्रेटर देन द एवरेज है ना यहाँ पे तो सिक्सटी है तो इससे ज़्यादा है सिक्सटी उससे ज़्यादा है सेवेंटी उससे ज़्यादा है एट्टी द एवरेज स्कोर ये सेवेंटी फ़ोर ला रहा है तो ऑबियसली टेस्ट नंबर फोर तो नहीं होगा आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ऑन तो एन एवरेज एट्टी का है और आपको सेवेंटी फोर आ रहा है तो आप इसमें बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हो ना no. एक बार ये रेंज ऑफ मार्क्स देखते हैं कि हाईएस्ट कितना गया था तो पहले वाले टेस्ट में हाईएस्ट था नाइन्टी और उस केस में किसी को आ रहा है सेवेंटी फोर नॉट बैड बट क्या ये बेस्ट है देखते हैं नेक्स्ट वाले टेस्ट में टेस्ट नंबर टू में हाइएस्ट वॉज ओनली सेवेंटी और इस टेस्ट में किसी को आए हैं सेवेंटी फोर सेकेंड टॉपर में भी तो ये इसका बेस्ट दिख रहा है अभी तक तो अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करूं तो वन इज रूल्ड आउट ऑल दो बुरा नहीं है सेवेंटी फोर बट बेस्ट पूछा गया है आपसे बेस्ट भी नहीं है सेकेंड और थर्ड को बस कंपेयर करना है मुझे अब हाइएस्ट मार्क्स है वन हंड्रेड लोएस्ट मार्क्स है ट्वेंटी और उस केस में किसी को सेवेंटी फोर आए हैं तो ये भी रूल्ड आउट टू इज आर करेक्ट फिट जहाँ पे सेवेंटी फाइव मतलब ये टफ पेपर था उसमें किसी को सेवेंटी फोर आने का मतलब है इसका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है है ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट आई होप दिस हेल्प्स थ्री व्यूज ऑफ अ क्यूब फॉलोइंग अ पर्टिकुलर मोशन आर गिवन बिलो ये दीज आर नॉट थ्री डिफरेंट क्यूब्स ये तो समझने वाली बात है ये सारे एक ही क्यूब हैं उनके थ्री पोजिशन हैं थ्री व्यूज़ हैं क्या मतलब इसका कि आपने एक बार इस डाइस को उठाया रोल करा जैसा दिखा फिर आपने उसी क्यूब को उठाया वापस से रोल करा और कुछ ऐसा दिखा वो ये इसका मतलब है दीज आर नॉट थ्री डिफरेंट डाइस ऑल्सो वी नो कि जब अपने लोग ऐसे डाइस की बात कर रहे हैं या क्यूब की बात कर रहे हैं तो डाइस के दो टाइप्स होते हैं फर्स्ट इज अ स्टैंडर्ड वन अदर वन इज अ जनरल डाइस और ये जनरल डाइस है इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड वन स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट पेयर्स आर ऑलवेज वन एंड सिक्स टू एंड फाइव थ्री एंड फोर तो अगर इनके अलावा कुछ भी है तो इट इज अ जनरल डाइस बात खत्म इतना ही है इफ अ डाइस इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस इट इज अ जनरल डाइस दैट इज हाउ वी एक्चुअली डिफाइन अ जनरल डाइस ये समझना है दिस इज अ प्रॉब्लम ऑन जनरल डाइस यहाँ पे हमें ऑपोजिट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल रूल को फॉलो करना होता है रूल ये है कि आपकी मर्जी आप किसी भी दो पोजिशन्स को कंसिडर करो जिनमें कोई एक साइड कॉमन हो पिक एनी टू positions ऑफ योर चॉइस which have वन कॉमन साइड वन कॉमन साइड वाले कौन से हैं आप देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूं तो मेरे पास के कॉमन दिख रहा है और सिर्फ के ही कॉमन दिख रहा है वन कॉमन साइड बाकी एच और एम ए और बी कॉमन नहीं है तो वी कैन स्टार्ट दिस प्रॉब्लम बाई टेकिंग वन एंड टू इन टू और कॉमन हमने क्या लिया है यहाँ पर जो दिख रहा है हमें के ओके okay, अब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है के के बाद क्या आ रहा है बी बी के बाद क्या आ रहा है ए यहां पे के बाद क्या है एच इस तरीके से आपको पूरा पैटर्न बनाना है एज सुन एज यू डू दिस आपको ऑपोजिट पेयर्स मिल जाते हैं जनरल डाइस के तो ए के ऑपोजिट में आ रहा है एच B के ऑपोजिट में आ रहा है M, तो A इज़ ऑपोजिट टू H, जो कि हमारा आंसर था ऑप्शन ए B इज ऑपोजिट टू M, B एंड एम आर ऑपोजिट्स तो K के ऑपोजिट में क्या K ही आएगा ऑब्वियसली नो no. K के ऑपोजिट में वैसा लेटर आएगा वैसा फिगर आएगा जो यहाँ पे अभी तक नहीं था तो आपको कोई नया फिगर दिख रहा है क्या देखो B हो गया H हो चुका है P सो so, K इज़ ऑपोजिट टू P दिस इज़

ओके okay. टॉपिक का नाम है डाइस काफ़ी इजी टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं और टॉपिक के भी अंदर अगर सब टॉपिक की बात करूं तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम फ्रॉम द टॉपिक ओपन डाइस जहाँ पे ऐसा कोई फिगर रहेगा जब आप इनको फोल्ड्स के अलोंग फोल्ड करना स्टार्ट करोगे यू विल गेट अ डाइस डाइस में आपको पता है तीन ऑपोजिट पेयर्स होते हैं वही हमें फिगर आउट करने हैं आप एक बारी इस डायग्राम को अच्छे से देखो ऑल दो देर आर सटन रूल्स बट आप इसको अच्छे से देखो और आप इनको फोल्ड करना स्टार्ट करो इट्स अबाउट विजुअलाइजिंग दिस प्रॉब्लम आप इसको विजुलाइज़ करो कि अगर आप इन जॉइंट्स के अलॉन्ग फोल्ड करना स्टार्ट करोगे तो ये कैसा शेप लेगा और कौन से ऑपोजिट्स होने चाहिए क्या आप जी को टॉप पे रख के इमेजिन कर पा रहे हो जी इज़ एट द टॉप और आपने यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करा है तो ये जो ओ वाला पार्ट है ये बिल्कुल ही बॉटम पे गया है बॉटम पे जाने का मतलब है जी और ओ अभी ऑपोजिट्स हैं, वाई बिल्कुल इसके यहाँ पे है और आपने डब्ल्यू को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है तो डब्ल्यू यहाँ पे आया है अभी ये वाला पार्ट बी का है तो बी यहाँ पर आएगा और आर जो है वो फोल्ड होके इस तरफ आ जाएगा तो अगर मैं बात करूँ ऑपोजिट्स की तो जी के ऑपोजिट में आएगा ओ दैट इज ग्रीन एंड ऑरेंज आर ऑपोजिट्स देन रेड एंड येलो आर ऑपोजिट्स वाइट एंड ब्लू आर ऑपोजिट्स आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो ये कुछ और अगर मैं एग्जांपल्स दूँ आपको तो लेट्स से अगर हमारे पास कोई ऐसा फिगर आ रहा है ए पी सी टी ई एफ जब आप इनको फोल्ड करोगे तो कौन से ऑपोजिट्स होंगे तो आपको ये ध्यान रखना है ए के ऑपोजिट में सी आएगा डी के ऑपोजिट में एफ आएगा और बी के ऑपोजिट में ई e आएगा वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बट ये काफी इजी टॉपिक है प्राइमरली जिसमें टाइम लगता है दैट इज फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स अगर आपने बस पंद्रह से बीस मिनट का एक लेक्चर अटेंड करा है तो डाइस वाला टॉपिक आपका बहुत अच्छा बन जाएगा और ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें समझाने को या समझने को इट्स ऑन द इजियर एंड टू टैकल वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक ऑफ एल आर इज़ डाइस ओके तो वट इज़ द करेक्ट फिट वाइट के ऑपोजिट में पूछा है आपसे तो ब्लू ऑप्शन सी इज़ आर करेक्ट फिट आई होप दिस हेल्प्स वेन डायग्राम का क्वेश्चन है इन दवर फिगर सर्कल पी रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्किंग पीपल सर्कल क्यू रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंट पीपल सर्कल आर रिप्रेजेंट्स ट्रूथफुल पीपल एंड एस रिप्रेजेंट्स ऑनेस्ट पीपल विच रीजन रिप्रेजेंट्स द पीपल हु आर इंटेलिजेंट मतलब क्यू ऑनेस्ट मतलब एस ट्रूथफुल मतलब आर बट नॉट हार्डवर्किंग हार्ड वर्किंग वॉज रिप्रजेंटेड बाई पी तो पी नहीं होना चाहिए और ये सारे होने चाहिए पी का मतलब था हार्ड वर्किंग ये वाला पार्ट नहीं आना चाहिए तो इसको यहीं पे रूल्ड आउट कर दो तो आप ये सारे वैल्यूज़ ना क्यू आर एस सबका इंटरसेक्शन होना चाहिए क्लियरली आपको दिख रहा है इन सब का जो इंटरसेक्शन है वो है ये बिकॉज यू कैन नॉट पिक दीज दीज आर रूल्ड आउट अब आपको दिख रहा है सिक्स क्यू में भी प्रेजेंट है सिक्स एस में भी प्रेजेंट है सिक्स आर में भी प्रेजेंट है और सिक्स एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों में प्रेजेंट है तो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट रिट एल आर का टॉपिक है वेन डाइग्राम इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी फॉर्म में आते हैं और ये ईजियर टू टैकल रहते हैं अगर एक ऐसा फॉर्मेट हमारे एग्जाम में आता है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में तो हमारे लिए वो केक वॉक होना चाहिए बट जो ट्रेंड है उसके हिसाब से हमें जो क्वेश्चन आएंगे वो सेट थियरी पे रहेंगे इस साल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में एक टू वेरिएबल का क्वेश्चन था ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में एक थ्री वेरिएबल का क्वेश्चन था जो कि ज़रा सा डिफ़िकल्ट एंड पे था अगर मैं कंपेयर करूं ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद एक टू वेरिएबल का ही होगा अगर इजी टू मॉडरेट पेपर है अगर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आ रहा है तो थ्री वेरिएबल का ज़रूर आएगा वेन डाइग्राम वाला शायद ना पूछा जाए अगर पूछा जाएगा तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा ज़रा पेपर ऑल आई होप दिस हेल्प्स

तो लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द रूल कि क्या हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल रूल आप एक किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पिक करो और उसका मूवमेंट देखो जैसे अगर मैं ट्रैंगल को देखता हूँ तो यहाँ पे टॉप पे फिर ये यहाँ पे नीचे आ रहा है और इन्वर्ट हो जा रहा है ओके okay, एक बार ये यहाँ पे मूव करता है नेक्स्ट वाले में इस तरफ मूव करता है और इन्वर्ट होता है आप देख पा रहे हो ये इन्वर्ट हो रहा है देन ये टॉप पे जाएगा और इन्वर्ट हो जाएगा इसके हिसाब से ये इस तरफ होना चाहिए नेक्स्ट और इन्वर्ट होना चाहिए तो हमारे पास जो नेक्स्ट फिगर बनेगा वो यहाँ पे इस तरीके से बनना चाहिए आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो तो ऑप्शन ए पॉसिबल है ऑप्शन सी पॉसिबल है ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं है सॉरी ए भी पॉसिबल नहीं है बी भी पॉसिबल रीज़न क्या है ट्राइंगल तो ज़रूर बन रहा है बट इट शुड बी इन्वर्टेड अगर देखो टॉप इस तरफ है तो नेक्स्ट वाले फिगर में इन्वर्ट हुआ है टॉप चेंज हुआ है अगेन नेक्स्ट वाले में टॉप चेंज हुआ है नेक्स्ट वाले में फिर से ये इन्वर्ट हुआ है तो नेक्स्ट जो भी बनेगा उसमें इन्वर्ट होना चाहिए टॉप चेंज होना चाहिए दैट इज़ ऑनली पॉसिबल इन ऑप्शन डी एक बार ये लाइन के मूवमेंट को भी देख लेते हैं ये यहाँ पे फिर ये ज़रा सा टिल्ट करता है वापस से टिल्ट करता है वापस से टिल्ट करता है नेक्स्ट वाले में प्लेन लाइन आनी चाहिए इस तरीके से जो कि यहाँ पे है ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट आई होप दिस हेल्प्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूर फोर स्टेटमेंट्स एंड देन यू हैव टू पिक विच वन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो ओके तो ये पार्किंग लॉट के बारे में बात हो रही है दिस लेट्स से दिस इज अ पार्किंग लॉट ओके फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल एक्स ब्रांड कार्स पार्कड हियर आर वाइट तो जितने भी एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात हो रही है कार्स की देखो बहुत सारे कार्स हैं यहाँ पे तो कुछ उनमें से एक्स ब्रांड वाले कार्स हैं तो एक्स ब्रांड वाले जितने भी कार्स हैं वो सारे वाइट हैं ये गिवन है क्या सारे कार्स एक्स ब्रांड के वो गिवन नहीं है ऑल एक्स ब्रांड कार्स पार्कड हियर आर वाइट और फर्स्ट की बात आप डायरेक्टली फोर्थ अगर देखते हो ऑल कार्स आर नॉट एक्स ब्रांड मतलब और भी ब्रांड्स की कार हैं यहां पर आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी डिफरेंट ब्रांड्स बट देर आर अदर ब्रांड्स सम ऑफ देम हैव रेडिकल टायर्स तो टॉकिंग अबाउट दिस ब्रांड दिस ब्रांड और दिस ब्रांड हैव रेडिकल टायर्स ओके ऑल एक्स ब्रांड कार्स manufactured आफ्टर 1986 1986 के बाहर हैव रेडिकल टायर आर पार्कड हेयर तो ये इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे जितने भी एक्स ब्रांड के पार्कड हैं वो 1986 के ऊपर वाले हैं एंड दे रेडिकल टायर्स ओके Which ऑफ द conclusions कैन बी ड्रॉन फ्रॉम these फोर स्टेटमेंट्स ओनली वाइट कार्स आर पार्कड here. क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है अगर ये रहता ओनली वाइट कार्स ऑफ एक्स ब्रांड आर पार्क टेयर वो एक पॉसिबल कंक्लूजन हो सकता था बट ये बोला कि जितने भी कार्स हैं वो सारे वाइट कलर के ये फॉलो नहीं कर रहा है यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कैन बी अ पॉसिबल सिनारीो बट ये बोला कि ऐसा ही हो रहा है नॉट श्योर सम वाइट एक्स ब्रांड कार्स विथ रेडिकल टायर्स आर पार्क ठेर यस एक्स ब्रांड के वाइट रेडिकल टायर्स यस, दिस इज एब्सोलूटली ट्रू ये फॉलो कर रहे हैं बाकी दो को भी एक बार ये वैल्यूएट कर लेते हैं कार्स अर्धन एक्स ब्रांड कैन नॉट हैव रेडिकल टायर्स कहीं पे भी ये स्टेटमेंट गिवन है क्या जहाँ पे ये स्पेसिफिकली मैंशनड है दैट कार्स ऑफ अदर ब्रांड कैनॉट हैव रेडिकल टायर्स नो सो दिस इज़ अगेन फॉल्स मोस्ट ऑफ़ द एक्स ब्रांड कार्स आव मैनुफैक्चर्ड बिफोर नाइनटीन एटी सिक्स कहीं पे भी गिवन नहीं यू डोंट हैव श्योरिटी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन एज वेल तो आप बोलते हो ओनली कंक्लूजन बी कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ फोर स्टेटमेंट्स दैट आई हैव आई होप दिस हेल्प्स फोर पॉलिटिकल पार्टीज डब्ल्यू एक्स वाई एंड सेड डिसाइडेड टू सेटअप अ जॉइंट कैंडिडेट फॉर द कमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस द फॉर्मुला अग्रीड बाई देम वॉज द एक्सेप्टेंस ऑफ अ कैंडिडेट ऑफ द मोस्ट ऑफ द पार्टीज फोर एस्पायरिंग कैंडिडेट्स दीज आर ए बी सी डी अप्रोच द पार्टीज फॉर द टिकट अब कुछ डेटा गिविन है ओके पहले मैं पार्टीज लिख लेता हूँ डब्ल्यू एक्स वाई एन सेड ओके कैंडिडेट्स कौन कौन है ए सी एंड टी ऑल क्या गिवेन है A was acceptable to W, but not Z. B was acceptable to Y, but not X. C was acceptable to W and Y. D was acceptable to W and X. ओके okay. अब आगे के डिटेल्स को पढ़ते हैं व्हेन कैंडिडेट बी वाज प्रेफर्ड बाय डब्ल्यू व्हेन कैंडिडेट बी वाज प्रेफर्ड बाय डब्ल्यू एंड जेड कैंडिडेट सी वाज प्रेफर्ड बाय एक्स एंड जेड कैंडिडेट सी वाज प्रेफर्ड बाय एक्स एंड जेड एंड कैंडिडेट ए वाज एक्सेप्टेबल टू एक्स बट नॉट वाई हु गॉट द टिकट देखो फार्मूला क्या था बेस्ड ऑन विच दे अग्रीड द फॉर्मूला अग्रीड बाई देम वॉज द एक्सेप्टेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द मोस्ट ऑफ द पार्टीज आपको क्लियरली दिख रहा है ए को सारे पार्टीज ने एक्सेप्ट नहीं करा है बी को भी सारे पार्टीज ने एक्सेप्ट नहीं करा है और डी के बारे में यू डोंट हैव डेटा रिगार्डिंग वाई एंड सेट आपको क्लियर कट दिख रहा है सी वॉज एक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ द पार्टीज तो कैंडिडेट सी वुड बी द करेक्ट फिट हियर हु गॉट द टिकट आई होप हेल्प्स नन बट स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द क्लब एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज थ्री स्टेटमेंट्स अब अगर मैं इनको एक एक करके वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ सिर्फ इसलिए कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी क्वेश्चन को एक बेटर विजुअलाइजेशन होगा उस मैं इन चीजों को वेन डाइग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा स्टेटमेंट नंबर वन नन बट स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द क्लब नन बट का मतलब होता है ओनली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नन बट स्टूडेंट्स बोलने का मतलब है ओनली स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द क्लब तो स्टूडेंट्स जो भी हैं आर मेंबर्स ऑफ द क्लब एक लार्जर सर्कल होगा नेक्स्ट क्या है सम द क्लब आर मैरिड सम मेंबर्स ऑफ द क्लब ओनली स्टूडेंट्स आर द मेंबर्स तो सम मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड मतलब कुछ इनमें से ही होंगे तो यहां पे दीज आर मैरिड पीपल ओके ऑल मैरिड पर्सन आर इन्वाइटेड फॉर डांस ऑल invited फॉर डांस ओके ऑल स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड फॉर डांस देखो इस क्लब के जो भी मेंबर्स है ना वो सारे स्टूडेंट्स है कैसे पता आपको ओनली students आर द मेंबर्स ऑफ द क्लब ये अगर एक क्लब है इसके जितने भी मेंबर्स हैं सारे स्टूडेंट्स हैं बोले चाहे सम ऑफ दीज मेंबर्स मतलब सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर मैरिड नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर मैरिड ऑल मैरिड पर्सन मतलब जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है या मेम्बर्स के बारे में बात हो रही है जो कि स्टूडेंट है आर इन्वाइटेड फॉर डांस ऑल ऑफ दम सो ऑल स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड फॉर डांस नहीं देखो वो सारे स्टूडेंट जो मैरिड है वो इन्वाइटेड हैं तो ये फॉल्स हो रहा है ऑल मैरिड स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड फॉर डांस दिस इज़ द करेक्ट फिट जो मेंबर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं और इनमें से जो मैरिड है वो डांस के लिए इनवाइट हो रहे हैं ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड पर्सन नो कैसे पता आपको गिवन है सम मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड नॉट ऑल ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट टॉपिक का नाम है सिलोलिज्म यस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपको अगर इन डेप्थ इसको पढ़ना है

एज वन कैन लर्न मेनी थिंग्स थ्रू टेलीविजन पिछर द वैलिड इंफ्रेंस फ्रॉम द गिटमेंट आप अगर इस लाइन को देखो क्लियरली ये है, टेलीविजन इज नॉट अ लक्जरी आइटम टेलीविजन इज नॉट अ लक्जरी आइटम ऑप्शन डी इज द करेक्ट फिट अब एक बार बाकी के स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं ऑल एक्सपेंसिव थिंग्स आर रिकॉर्डेड एज लक् नॉट ने टू ऑल शियल थिंग्स फॉर लर्निंग आर नॉट लग्जरी टेलीविजन इज इसेंशियल फॉर लर्निंग अगर आप तीनों में कंपेयर करो या ऑल फोर इफ यू कंपेयर तो ये वाला सबसे वैलिड इन्फ्रेंस ड्रॉ हो पा रहा है बिकॉज ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है देर फोर वी है ऑप्शन डी आई होप द सेल्फ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑल मशीन्स कंज्यूम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी

डायरेक्ट इंफ्लुएंस तो नहीं है क्योंकि ऑल वर्ड गिवन है तो लीव इट साइड देर इज नो फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर देन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी बट क्या यह बोलना सही है कि देर इज नो फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर देन इलेक्ट्रिसिटी नो मोस्ट मशीन्स आर ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी यह बोला जा सकता है ओके इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर चीप टू मैंटेन डो नॉट कॉज पोल्यूशन आर आर प्रेफरेबल टू यूज ये एक बेटर इन्फ्रेंस है तो कंपेरेटिवली मुझे इसको रूल आउट करना पड़ेगा ऑप्शन डी सीम्स टू बी आर करेक्ट फिट आई होप दिस एग्जाम इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नन बट द रिच कैन अफोर्ड एयर ट्रेवल दिस इज कैन ओके नन बट का मतलब क्या होता है नन बट साथ में अगर है तो नन बट का मतलब होता है ओनली एक स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं ओनली द रिच कैन अफोर्ड एयर ट्रैवल मतलब अगर कोई एयर ट्रैवल को अफोर्ड कर पा रहा है तो वो है रिच ओके सम ऑफ हु ट्रैवल एयर समय सिक सम ऑफ हु सिक रिक्वायर ट्रीटमेंट ये तीन स्टेटमेंट्स हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑल द रिच पर्सन ट्रैवल बाई एयर देखो ऑल द रिच पर्सन कैन अफोर्ड एयर ट्रैवल बट इज़ इट नेसेसरली क्या वो एयर से ही ट्रैवल करेंगे अगर आप किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को खरीद ही लोगे या उसको उस सर्विस को यूज़ कर ही लोगे स्टेटमेंट के है ओनली द रिच कैन अफोर्ड एयर ट्रैवल सो ऑल द रिच पर्सन ट्रैवल बाई एयर ये उनकी चॉइस है तो दिस अभी तक तो डेफिनेट कंक्लूजन नहीं आ रहा है या पॉसिबल कंक्लूजन नहीं बन रहा है दोज हु ट्रैवल बाई एयर बिकम सिख दोज हुई का मतलब ऑल दोज हुई एयर लेकिन यहाँ पे क्या क्या है सम ऑफ दोज एयर सम नॉट ऑल तो ये भी रूल्ड आउट ऑल द रिच पर्सन बिकम सिक अगेन नॉट नेसेसरली ट्रू ऑल दोज हु ट्रेवल बाई एयर आर रिच ये डेफिनेटली ट्रू है रीजन क्या है ओनली द रिच कैन अफोर्ड एयर ट्रैवल सो ऑल दोज हु ट्रेवल बाई एयर Are rich. Option D is the most logical conclusion. I hope this helps. Examine the following statements I watch TV only if I am bored. I am never bored when I have my brother's company. Whenever I go to the theatre, I take my brother along. If I am bored, I watch TV. Could be a possible conclusion. इफ आई एम बोर्ड आई सीक माई ब्रदर्स एडवाइस नहीं आई एम नेवर बोर्ड वेन आई हैव माई ब्रदर्स कंपनी तो ये नहीं है इफ आई एम नॉट विथ माई ब्रदर देन आई वॉच टी वी कहीं पर भी ये ऐसा कोई भी स्टेटमेंट गिवेन नहीं है ना इफ आई एम नॉट बोर्ड आई डू नॉट वॉच टी वी क्या मतलब इसका दिस इज एग्जैक्टली मीनिंग दिस ओनली इफ आई एम बोर्ड आई वॉच टी वी If I am not bored, I do not watch TV. This is the perfect valid conclusion. Out of the four conclusions, option D seems to be the correct fit here. I hope this helps. In five flats, one above the other, live five professionals. The professor has to go up to meet his IS friend. The doctor is equally friendly to all and has to go up as frequently as he needs to go down. द इंजीनियर हैज टू गो अपू मीट हिज एम एल ए फ्रेंड अव हुट लिवस द प्रोफेसर्स फ्रेंड आपको यह समझना प्रोफेसर का फ्रेंड कौन है आई एस तो यहाँ पे प्रोफेसर्स फ्रेंड मतलब आई एस की बात हो रही है द इंजीनियर हैज टू गो अप टू मीट हिज एम एल ए फ्रेंड इंजीनियर का दोस्त एम एल ए और ये ऊपर रहता है इंजीनियर से अवव हुज फ्लैट लिव्स द प्रोफेसर्स फ्रेंड मतलब आई एस ना फ्राम द ग्राउंड फ्लोर टू द टॉप फ्लोर इन वॉट ऑर्डर डू द फाइव प्रोफेशनल्स लिव अगर मैं ग्राउंड को वन टू थ्री फोर फाइव बिकॉज फाइव प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास द डॉक्टर इज इक्वली फ्रेंडली टू ऑल तो डॉक्टर को मैं सेंटर पर रख रहा हूँ ना बोला जा रहा है द प्रोफेसर हैज़ टू गो अप टू मीट हिज आई एस फ्रेंड तो अगर मान लो आई एस यहाँ पर है तो प्रोफेसर यहाँ पे हो सकता है अगर प्रोफेसर यहां पे है तो आई एस कुड बी हेयर और हेयर प्रोफेसर यहां पे भी हो सकता है तो आई एस यहां पे या फिर यहां पर या फॉलो कर पा रहे हो ना एक और इंपॉर्टेंट लाइन है द इंजीनियर टू अगेन गो अप टू मीट हिज एम एल ए फ्रेंड अव हुट लिवस द प्रोफेसर फ्रेंड दैट इज आई एस तो एम के ऊपर में आई होना चाहिए आप बोलो क्या आप यहाँ पे एम रख सकते हो नहीं बिकॉज़ ये सबसे लोअर ग्राउंड फ्लोर है इसके नीचे होना चाहिए इंजीनियर तो ये पॉसिबल नहीं है आप एम को यहाँ पे रख सकते हो तो प्रोफेसर का जो फ्रेंड है दैट इज़ आई वो यहाँ पे आ सकते हैं सो दिस इज़ अ पॉसिबल मैच आई एस यहाँ पर एम एल यहाँ एंड देन आप प्रोफेसर फिलहाल यहाँ पे रख सकते हो और उस केस में इंजीनियर यहां पे आएगा या फिर अगर इंजीनियर यहाँ पे है तो प्रोफेसर यहाँ पे आएगा इन पे श्योरिटी नहीं है बट आई नो फॉर अ श्योर कि एम के पहले आई ऑफिसर नहीं आएगा बिकॉज ये जो ऑर्डर गिवन है ग्राउंड टू टॉप फ्लोर की गिवन है तो ये गलत अरेंजमेंट है ये भी गलत अरेंजमेंट है एमएलए के हमेशा बाद में कौन है या टॉप पे कौन है आफ्टर एम एल ए वी हैव आई एस ऑफिसर ये सीक्वेंस होना चाहिए जो कि फर्स्ट थ्री केसेस में फॉलो नहीं हो रहा है तो आप अगर सिर्फ इस डेटा के थ्रू चीज़ों को देखने की कोशिश करो विदाउट इवन सॉल्विंग इट तो भी आप क्विकली इसे मार्क कर सकते हो फर्स्ट थ्री नॉट पॉसिबल एम के बाद में आई ए ये पॉसिबल लग रहा है यहाँ पे देख सकते हो डॉक्टर सेंटर पे है प्रोफेसर इंजीनियर किससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो So option d is our correct fit i hope this helps during the summer vacation ankit went on to a summer camp where he took part in hiking swimming and boating this summer he is looking forward to music camp where he hopes to sing dance and learn to play guitar based on the above information four conclusions are given which one of these logically follows from the information given above? Okay. Ankit's parent want him to play guitar. Not necessarily true. Ankit prefers music to outdoor activities. Not true. Ankit goes to some type of camp every summer. Uh, could be a possible conclusion, but let's compare it with the other one. Ankit likes to sing and dance. दिस समर ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अम वेर ही होप्स टू सिंग एंड डांस तो लाइक्स टू सिंग एंड डांस इज अ मोर फिटेड कंक्लूशन लॉजिकली फॉलोज ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट एंड देयर फोर वी हैव टू रूल आउट ऑप्शन नंबर सी आई होप द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑल आर्टिस्ट आर विम्सिकल डायग्राम्स के थ्रू इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए जरा चीजें आसान हो जाएंगी विजुअलाइज कर पाना ऑल आर्टिस्ट आर फैमसिकल तो ये बड़ा सर्कल है सम आर्टिस्ट आर ड्रग तो ये ड्रग एडिक्ट इंडिकेट कर रहा है फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट फ्रस्ट्रेटेड पीपल यहां पे ना फ्रॉम दब थ्री स्टेटमेंट्स इट मे बी कंक्लूडेड दैट आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड देखो नॉट नेली ट्रू ये जो फ्रस्ट्रेटेड पीपल है ये और आर्टिस्ट में अभी ओवरलैपिंग नहीं दिख रहा है तो ये बोलना सही नहीं है लेट्स रूल इट आउट समल देखो ये ड्रग आर्टिस्ट ड्रग एडिक्ट एंड आर्टिस्ट आर ऑलवेज रिलेटेड ओवरलैपिंग हमेशा रहेगा चाहे आप कैसा भी डायग्राम बना लो ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट हमेशा रहेगा और जो भी पार्ट ड्रग एटिट्स का आर्टिस्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है वो हमेशा विम्सिकल का पार्ट रहेगा ही रहेगा बिकॉज विम्सिकल इज द लार्जेस्ट सर्कल हेयर लार्जस्ट सर्कल हेयर तो सम ड्रग एडिक्ट आर विम्सिकल दिस इज ऑलवेज ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर ड्रग एडिक्ट नो फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रॉन टू बिकम ड्रग एडिक्ट जरूरी नहीं है ना आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करा है यहाँ पे कुछ पार्ट मैंने बाहर रखा है तो दिस इज रूल्ड आउट फिम्सिकल पीपल आर जनरली फ्रस्ट्रेटेड नॉट नेसेसरली ट्रू तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर इफ इट एवर स्टार्ट्स

देर विल भी नो सिविलाइजेशन लेफ्ट आफ्टर द थर्ड वर्ल्ड वॉर आपको इस पर श्योरिटी है क्या ये एक पॉसिबिलिटी है बट यहाँ पे जैस, जिस तरीके से स्टेटमेंट बोला जा रहा है ये बिल्कुल श्योरिटी से बोल रहा है तो ये गलत हो गया द ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर पावर विल डिस्ट्रॉय सिविलाइजेशन इन द लॉन्ग रन नॉट नेसेसरली ट्रू थर्ड वर्ल्ड वॉर विल नॉट टेक प्लेस आप श्योर नहीं हो तो ऑप्शन ए सीम्स टू बी द करेक्ट इन्फ्रेंस

only one of them out of APR. same goes for the other two. अदर टू अगर मैं कह रहा हूँ कि पी ओपन है तो ये दोनों क्लोज होंगे अगर मैं कह रहा हूँ आर ओपन है तो ये दोनों क्लोज होंगे ऑल राइट right. तो इन तीनों में से कोई एक ही ऑपरेशनल होगा एट अ टाइम ओपन टिक मार्क से मैं ओपन को इंडिकेट कर रहा हूँ नेक्स्ट इफ बी इज़ क्लोज सो इज क्यू अंडर एनी सरकमस्टांस अगर आपने बी को क्लोज किया है तो उस केस में क्यू भी क्लोज होगा ना ओनली वन ऑफ ए एंड बी इज ओपन ड्यूरिंग स्ट्रोम्स तो जब भी नेचुरल क्लैमिटी स्ट्रम के फॉर्म में आती है उस केस में या तो ओपन रहेगा और बी बोथ कैन नॉट बी ओपन बट एक तो ओपन एटलीस्ट होगा ये तो समझ में आ रहा है ना ओनली वन ऑफ ए एंड बी इज ओपन ड्यूरिंग स्टोम्स का मतलब क्या है एटलीस्ट वन डोर इज़ ओपन सोच के देखो जरा और वन रोड नॉट डोर वन रोड इज़ ओपन और ऑपरेशनल अगर ए ओपन है तो उस केस में बी क्लोज है बट ए ओपन है ना एटलीस्ट वन का मतलब होता है मिनिमम वन अब मुझे शायद सी के बारे में कोई डेटा नहीं तो सी भी ओपन हो सकता है तो दो भी हो सकते हैं बट एक तो हो ही रहा है डेफिनेटली पी इज़ क्लोज ड्यूरिंग फ्लड्स तो फ्लड के केस में क्या है पी इज़ क्लोज अब पी इज क्लोज से मुझे और कुछ डेटा नहीं मिल पा रहा है ना इन दिस कॉन्टेक्सट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस और कंडीशन ओनली थ्री रोड्स आर ओपन देखो ओनली वर्ड क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली थ्री रोड्स आर ओपन क्या आपको इस चीज़ पर श्योरिटी है चेक करते हैं एक बार ए पी और आर तीनों एक साथ ओपन नहीं हो सकते हैं इन तीन में से कोई एक ही ओपन होगा बचते हैं आपके पास बी सी और क्यू मान लो ऐसा गिवन है कि बी इज क्लोज तो अगर बी क्लोज है उस केस में क्यू भी क्लोज होगा तो नेक्स्ट डोर जो ओपन हो सकता है दैट इज सी तो टोटल दो रोड्स ओपन हो रहे हैं बट यहां पे क्या गिवन है अंडर नॉर्मल कंडीशंस ओनली थ्री रोड्स आर ओपन एक हमने पॉसिबल केस बना लिया जहाँ पे सिर्फ दो रोड्स ओपन हो रहे हैं तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट आप अगर ऐसा करते हो कि बी इज़ ओपन और उस केस में मैं क्यू को भी ओपन करवा लेता हूँ तो मेरे पास दो और आ गए तो फोर रोड्स तो ये बोला कि ओनली थ्री ये गलत ही है ना एनी anyway, वे ना अंडरस्टैंडिंग ये ए वाला था ऑप्शन अब बी वाले को जरा देखते हैं ड्यूरिंग स्टोम्स एटलीस्ट वन रोड इज़ ओपन एग्जैक्टली ये तो हो रहा है ना एटलीस्ट वन ऑफ दम इज ओपन इधर ए और बी और अकॉर्डिंगली और भी रोड्स ओपन हो सकते हैं बट एटलीस्ट वन का मतलब क्या है कि मिनिमम इज वन एटलीस्ट वन का मतलब है मिनिमम वन वो तो स्टेटमेंट में ही गिवन है तो दिस इज डेफिनेटली फॉलोइंग ये डेफिनेटली ट्रू है आपका आंसर आ चुका है बट लेट्स एग्जामिन ऑप्शन नंबर सी एस वेल एंड डी ड्यूरिंग फ्लड्स ओनली थ्री रोड्स आर ओपन देखो फ्लड के केस में मुझे डेटा गिवन है कि पी क्लोज है अब अगर पी क्लोज है तो ए और आर में से कोई एक ही ओपन होगा ये तो श्योरिटी है तो ए और आर में से कोई एक ओपन हो रहा है रेस्ट हमारे पास बचते हैं बी क्यू एंड सी तो एफ आई टेक इन टू कंसिड्रेशन कि बी क्लोज है तो क्यू भी क्लोज हो जाएगा उस केस में और सी चलो मैं सी को ओपन करता हूँ तो दो ही बन पा रहे हैं तो ये बोलना कि ओनली थ्री ये गलत हो जा रहा है एक ऐसा भी केस बन सकता है जहाँ पे यहाँ से एक रोड ओपन है बी भी ओपन है और सी भी ओपन है तीन रोड बन सकते हैं बट क्या ये हमेशा होगा दैट इज़ नॉट केस क्या आप श्योर हो इस चीज़ पर कि ओनली थ्री रोड्स आर ओपन नॉट श्योर यहाँ पे हमें जो दो दिख रहे हैं चार भी दिख सकते हैं अगर ये दोनों भी ओपन हो जाए तो यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग्स इसीलिए आप इस पर डेफिनेटली कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो रूल्ड आउट ड्यूरिंग कलामिटीज सच एज स्टोम्स और फ्लड्स ऑल रोड्स आर ओपन ऑल रोड्स आर क्लोज ऐसा तो नहीं है रोड्स आर क्लोज ऐसा है क्या यस पीस क्लोज्ड अग्री लेकिन यहाँ पे गिवन है ना ओनली वन ऑफ ए एंड बी इज ओपन ड्यूरिंग स्टोम्स स्ट्रोम्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कलामिटी तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया the option b is our correct fit. Right? d is also false. i hope this helps. a person stood alone in a desert on a dark night and wanted to reach his village which was situated 5 km east of the point where he was standing. he had no instruments to find the direction but he located the pole star. you have keyword. i pole star. okay. the most convenient way now to reach his village is to walk in. फोर ऑप्शन ओके कुछ चीजें हैं पहले उनको पॉइंट आउट कर लेते हैं यह डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक डायरेक्शन सेंस विच ऑज पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग ओके द फोर मेजर डायरेक्शन आर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट मेजर डायरेक्शंस अगर आप इनको फर्दर बाइसेट करो तो येट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ना अगर कोई इंसान नॉर्थ की तरफ चल रहा है तो उसके लेफ्ट पे आएगा वेस्ट अगर कोई इंसान ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसके लेफ्ट पे आएगा नॉर्थ एंड राइट पे साउथ अगर कोई इंसान साउथ की तरफ जा रहा है तो अकॉर्डिंगली उसके राइट पे आएगा वेस्ट लेफ्ट पे आएगा ईस्ट बिकॉज ये जो 90 डिग्री का मूवमेंट है ये लेफ्ट और राइट को इंडिकेट करता है ओके okay. यहाँ पे कीवर्ड है पोल स्टार पोल स्टार के बारे में एक चीज गिवन है दैट इज इट इज ऑलवेज इन द नॉर्थ पोल स्टार का मतलब है लोकेटेड एट द नॉर्थ तो नाउ आई नो कि पोल स्टार नॉर्थ पे है ऑल्सो हिज विलेज इज फाइव किलोमीटर ईस्ट तो विलेज यहाँ पे कहाँ से जिस जगह पे वो खड़ा है फ्रॉम द प्लेस वेयर ही वॉर स्टैंडिंग ओके यहाँ से ये ईस्ट की तरफ जाएगा मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये विलेज पे पहुंच जाएगा इससे पोल स्टार का लोकेशन पता है तो आप बताओ अगर कोई इंसान इस तरफ जा रहा है तो पोल स्टार उसके लिए कौन से डायरेक्शन पे है लेफ्ट ये राइट है ही शुड द मोस्ट कन्वीनियंट वे नाउ टू रीच हिज विलेज इज टू वॉक इन द डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार नो no? ऑपोजिट टू द पोल स्टार नो कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट अगर इस तरफ चल रहा है तो टूअर्ड्स हिज लेफ्ट इज द पोल स्टार कीपिंग द पोलस्टर टूवर्ड्स हिज लेफ्ट इज द करेक्ट फिट आई होप दिल्व यहाँ पर बैकहेंड पे जो नॉलेज हमें चाहिए दैट इज द लोकेशन ऑफ द पोल स्टार अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोल स्टार इज इन द नॉर्थ एन अकॉर्डिंगली जो लेफ्ट एंड राइट वाला कॉम्बो है दैट इज पार्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस वो तो आप समझ पा रहे हो और आई होप दिस